दोस्तों अभी हम हमारे सामने खड़ी हैं दो हाई क्रॉस, ठीक है। एक तो आपका ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ZX और आपका ये एक बेस वेरिएंट है जी, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूं क्या है। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगो पे नजर डालिए, ठीक है। आपको यहाँ लोगो प्रॉपर क्रोम में मिलेगा, प्लस वैसा है, चमकता है, ठीक है। और यहाँ की आप बात करेंगे तो ये लोगो आपका नॉन क्रोम में है और बिल्कुल डल सा देखने को लगता है। बाकी आप इसकी जो वो है ग्रिल देख लीजिए, इसकी ग्रिल आपकी डल शेप में है और इधर आपकी थोड़ी सी शाइनी है, ठीक है। ये दो चीजें आपको डिफरेंस देखने को मिल गई। अब तीसरा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि आप तीसरे डिफरेंस की बात करें तो आपको ये इसमें आपको ये इंडिकेटर प्लस DRLs इंटीग्रेटेड यहाँ पे नीचे मिल रहे हैं सिंगल, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर प्लस DRLs की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। लाइट सेम है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग सेंसर इसमें आपको नहीं मिलेगा। वहीं पर आप पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, 4 पॉइंट है, ठीक है, 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर से। ये तो आपके कुछ डिफरेंस हो गए। टायर प्रोफाइल की बात करी जाए तो टायर प्रोफाइल आप देखेंगे कि यहाँ के आप टायर प्रोफाइल देख लो, ठीक है। यहाँ पे आपको 16 इंच के टायर मिल रहे हैं, 205/65R16। यहीं पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो टायर साइज मिलने वाला है 225/50R18, ठीक है, 18 इंच के टायर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। साइड प्रोफाइल देख लो, ठीक है। साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट दिखेगी और यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट नहीं दिखेगी। इंडिकेटर उसी पे है, ठीक है, सेम यहाँ पे इंडिकेटर उसी पे है। डोर हैंडल्स की बात करो, आपको यहाँ पे देखो डोर हैंडल्स क्रोम में मिलेगा, यहाँ पे डोर हैंडल आपको क्रोम में नहीं मिलेगा। साथ ही साथ रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं मिलता है, दूसरे इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया साइड प्रोफाइल। अब पीछे आते हैं, ठीक है। अगर आप पीछे आएंगे तो देखेंगे आपको इसमें रियर वाइपर है, डिफॉगर है, हाई स्टॉप माउंट लैंप है और शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, ठीक है। और यहीं यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ रियर वाइपर तो मिला हुआ है, डिफॉगर नहीं मिला है, शार्क फिन एंटीना भी है और हाई स्टॉप माउंट लैंप भी है। इसमें डिफॉगर की प्लेसमेंट नहीं है, आपको डिफॉगर नहीं मिलेगा। लाइट एकदम सेम है, आप देखिए उसकी और इसकी लाइट एकदम सेम है। पार्किंग सेंसर्स इस बेस मॉडल में आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे आपको 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए ZX है, ठीक है, यहाँ पे मिला है और यहाँ पे ये बेस वेरिएंट है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं है, ठीक है। और ऊपर अगर आप देखोगे ना तो ऊपर आप देखो यहाँ पे आपको सनरूफ मिलेगी और सेम यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, टीन का छत है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये तो हो गई बाहर से, ठीक है। तो फिलहाल ये बाहर से जो भी डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर कभी गाड़ी मिलती है तो अंदर का डिफरेंस भी बता देंगे, फिलहाल आज छुट्टी का दिन है, ठीक है। आप देखो इसमें फॉग लैंप भी दिए हुए हैं, इसमें फॉग लैंप नहीं है, ये एक और डिफरेंस मैंने पकड़ लिया। तो ये था डिफरेंस इन दो मॉडल्स में, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में और बेस वेरिएंट में। ये डिफरेंस है इनोवा हाई क्रॉस के बीच में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।